हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी आरजे बी फोर यू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो सिर्फ लेके वो सिर्फ है गुडालेक्स प्लस सिर्फ है। ये सिर्फ आपको कौन कौन सी बीमारी में ये काम करेगी, कितने इसके फ़ायदे हैं, कितने इसके नुकसान हैं, इन सभी के बारे में बताऊँगा। ये कौन सी कंपनी की होती है, कितनी इसकी एम आर पी रेट होती है। सबसे पहले इसकी कंपनी की बात की जाए तो कंपनी है मैनकाइंड की। ये कंपनी है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, कंपनी का नाम है इसका। और इसकी एम आर पी की बात की जाए 99 रुपये इसकी एम आर पी रेट है। और इसमें साल्ट की बात की जाए तो इसमें साल्ट मिला होता है सोडियम पिकोसल्फेट, जो कि 3.33 mg होता है। लिक्विड परफिन 2 1.25 ml और मिल्क और मैग्नीशियम होता है 3.75 ml इसमें मिला होता है दोस्तों। ये इसमें साल्ट इसमें कुछ मिले होते हैं दोस्तों। अब मैं बताऊँगा इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, किस तरह आपको इसको लेने हैं दोस्तों। ये गुडालेक्स प्लस सिर्फ होती है डॉक्टर की पर्ची द्वारा मिलने वाली दवाई होती है। ये सिर्फ के रूप में ये उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। इसके टेबलेट नहीं है दोस्तों, ये आपको खास तौर से इसका ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपको इसको काम कैसे करना है दोस्तों, इस दवा का उपयोग विशेष रूप से कब्जी में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कब्जी के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गुडालेक्स प्लस का उपयोग के बारे में आपको मैं और बताऊँगा दोस्तों, जैसा कि इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि दस्त या पेट खराब होना या पेट में ऐंठन होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह भी जान लेना ज़रूरी है कि गुडालेक्स प्लस का प्रभाव गर्भवती महिलाओं के माध्यम होता है, जो स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त गुडालेक्स प्लस का लीवर, हृदय व किडनी पर भी क्या असर होता है, इसके बारे में भी आपको और बताऊँगा दोस्तों। अगर आपको पहले से पेट दर्द या ऐंठन या जट रात्र या रक्त स्राव जैसी कोई समस्या है तो गुडालेक्स प्लस देने की सलाह नहीं दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसके क्या क्या इसके फ़ायदे हैं दोस्तों। इसका सबसे पहले या सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कब्जी में, ठीक है, या हर्निया में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों में कब्जी, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों में कब्जी में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। यह 110 ml की होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसके कुछ दुष्प्रभाव भी बता देता हूँ। पेट में दर्द, निर्जलीकरण या मतली या उल्टियाँ ना, दस्त या ऐंठन, मांसपेशियों का कमजोर होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। ये सिर्फ आपको प्रत्येक मेडिकल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बच्चों की कब्जी में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय सिर्फ है दोस्तों, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो दोस्तों। जो भी बच्चे जिसकी कब्जे की शिकायत होती है वो इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लेते हैं आपसे अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।